गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर। सर कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही है। माइक ऑफ होगा सर का। आज फिजिक्स कैसे नहीं है? मतलब लास्ट क्लास होगा लग रहा है। हेलो हेलो, यस सर। आ रही है बेटा आप? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। देखो गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, ध्यान देना ये एक्स्ट्रा में है, अभी तक नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर ठीक है भाई। अगर क्या है, गैसेस के लिए डेल्टा एस पूछे तो ये फॉर्मूला सीधे लगाया जाता है भाई। इसमें क्या है, अब आप खुद सोचना, इसमें कोई ज्यादा माथा बच्ची नहीं। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये वाली पूरी टर्म हट जाएगी। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये पूरी टर्म हट जाएगी। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये वाली पूरी टर्म हट जाएगी। और जैसा अपन ने कल पढ़ा था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम में चेंज दे रखा है तो ये सीधे ये रिजल्ट आ रहा था। हालांकि एक्स्ट्रा है, आप चाहे तो मतलब ये छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, अब मेनली अपन आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, TLOT, क्लॉट से बोलते हैं। गुड ठीक है, आफ्टरनून सर। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एट एब्सोल्यूट जीरो ये होता है जीरो केल्विन, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज टेकन एज जीरो। हिंदी में बता देता हूं, तो परम शून्यता। परम शून्य ताप का मतलब है जीरो केल्विन, पर जीरो केल्विन पर सर ऑफ के बाद क्या है? परफेक्टली जीरो केल्विन पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी को शून्य लिया जाता है, को शून्य लिया जाता है। बट इसका मतलब होता है एस जीरो केल्विन पर जो वैल्यू है जीरो, ये एजम्पशन होता है। एजम्पशन मैं बताता हूँ बेटा, देखो जीरो केल्विन का मतलब कितना हो गया आप समझना। जीरो केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब अपन क्या है, कोई लिक्विड थी या कोई गैस थी, ठीक है भाई, उनको फाइनली किसके अंदर बदल रहे हैं अपन, उसको बदल रहे हैं अपन
ठोस के अंदर, भाई इतने कम टेम्परेचर पे वो सॉलिड में बदल जाएगा और साथ में क्या होगा उसकी फ्रीडमनेस, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस सब क्या है खत्म हो जाएगी। जब सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो अपन ये कह रहे हैं कि अपन ने -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑप्टेन नहीं किया, इसीलिए अपन ये कह रहे हैं इतने कम टेम्परेचर पे एक एजम्पशन थ्योरी बना रहे हैं कि भाई जीरो केल्विन पे आप क्या करोगे, एंट्रोपी का मान कितना ले लोगे, जीरो ले लो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है विथ हेल्प ऑफ दिस लॉ। एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज डिटरमाइंड इसकी सहायता से, परम एंट्रोपी ज्ञात की जाती है। अभी आ जाएगी बेटा आपको बात समझ। ठीक है, देखो इसका जो फॉर्मूला आता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एस टी माइनस एस जीरो। ठीक है, तो अपन ये बोलते हैं कि जो डेल्टा एस होता है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आता है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आती है जीरो से आपके पास आता है टी तक, और ये सी पी, सी के पैरों में पी, सी पी टी टी अपॉन टी आ जाता है। ठीक, फिर इसको जब सॉल्व करते हैं अपन, मैं बताता हूँ आपको क्या याद रखना है, आप ज्यादा परेशान मत होना। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2.3 सी पी एंड क्या आ जाता है लॉग टी। ठीक है, अब एस जीरो की वैल्यू तो जीरो है, ये जीरो है, तो ये एस टी के इक्वल आ जाता है। तो फाइनली एक आपके पास आता है एस टी 2.3 सी पी लॉग टी। बेटा ये डेरिवेशन पे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको सीधे ये याद रखना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या बात है पूरी। देखो हमेशा क्या होता है, जब भी कोई डेल्टा जी बोले, डेल्टा एच बोले, डेल्टा ई बोले, ठीक है, डेल्टा एस बोले, बेटा हमेशा जो ये चेंज होते हैं यही प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अपन इन्हीं को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कहता है वास्तव में, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी जीरो केल्विन -273, पर उसने कहा भाई जो भी है वैसा है, इसमें थोड़ी सी अजम्पशन थ्योरी मान के अपन ने ऐसा कहा। एस टी का मान बेटा ये अंतर नहीं है, ये एक एंट्रोपी का मान, एक निश्चित ताप पर अपन एंट्रोपी के मान की गणना कर सकते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको किस बारे में बताता है, एब्सोल्यूट परम एंट्रोपी के बारे में। अभी मैं बताऊंगा जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड और थर्ड में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसकी अपन बात करेंगे। अब इसमें पहले तो अपन ये देख लेते हैं जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केस। जिन पे थर्ड लॉ लगता नहीं, ठीक है, तो आप इसके लिए याद करेंगे जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ CO, N2O, NO एंड मेनली वॉटर, वॉटर के क्रिस्टल पे ये रूल थर्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, अब बेटा अपन आते हैं देखो कंक्लूजन। ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बात है, एग्जाम की बात करें, अभी मैं वापस भी बताऊंगा बेटा। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी सुनना बेटा। इसको बोलते हैं ZLOT, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इसकी सहायता से, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है, इसकी सहायता से क्या बनाया गया, टेम्परेचर स्केल बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपने सुन ली मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी जो खास बात है वो है यूनिवर्स की
यूनिवर्स की एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब अपन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो पहली बात इसमें जो इंपॉर्टेंट आती है यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, नियत नहीं है, लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। और दूसरी बात होती है इसका जो सम इसकी हेल्प से विथ हेल्प ऑफ दिस लॉ अपन डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब एंट्रोपी चेंज को अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर मैं टी एल ओ टी की बात करूं तो इसमें पहली बात आती है एस जीरो केल्विन पर एंट्रोपी को जीरो मान लिया गया, ये एज्यूम्ड वैल्यू माना गया, और इसकी हेल्प से एस टी ये कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो बेटा जो बेसिक डिफरेंस आता है एस एल ओ टी is related to entropy change, जबकि third law of thermodynamics is related to absolute entropy. बेटा सभी सुन लेना ध्यान से, ऑप्शन में ये मिलता है आपको, ये देखो ये लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर कि एंट्रोपी परिवर्तन किस नियम से पता होता है, तो आप क्या जवाब दोगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। लेकिन परम एंट्रोपी किस नियम से पता करते हैं, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। बेटा देखो मैंने बिल्कुल काम की, कोई फालतू बकवास नहीं, बिल्कुल काम की सारी बातें लिख दी है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से देखो आप थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो स्टूडेंट ने जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है ठीक है वो सुन लेना बेटा, बस ये फिनिश ही हो रहा है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एक एज्यूम थ्योरी है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन पे बात करेंगे, जीरो केल्विन पे जो भी, क्योंकि सारी चीजें ठोस ही बन जाएंगी, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बन जाएंगी, तो इन ठोस के लिए जो एंट्रोपी का मान है वो जीरो लेते हैं, तो जीरो केल्विन पे जीरो लिया जाता है। ये कहता है इसकी सहायता से अपन परम एंट्रोपी एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसका डेरिवेशन होता है, कोई जरूरत नहीं है। फाइनली डेल्टा एस नहीं बेटा, यहाँ एस टी ज्ञात हो रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी, इसी को एब्सोल्यूट एंट्रोपी बोलते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने से वो कैलकुलेट हो जाएगी। आपसे पूछा क्या जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का संबंध है, तो टेम्परेचर स्केल ताप मापक्रम से प्रथम जो नियम है फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से पूरे यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा क्या बनी रहती है कांस्टेंट। जबकि द्वितीय फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट आपको बताता है पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, थी और रहेगी। सेकंड लॉ क्या बताता है कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार जब से यूनिवर्स बना है तब से बढ़ रही है और आगे भी जब तक यूनिवर्स रहेगा लगातार बढ़ती रहेगी। फिर सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस क्या बताता है, सेकेंड लॉ तो आपको एंट्रोपी चेंज के बारे में बताता है परिवर्तन, जबकि थर्ड लॉ आपको एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन बताता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, ये बड़ी एग्जाम ओरिएंटेड बात है। ठीक है तो बेटा मैंने देख लिया आपका, यहाँ पर अपन इसको कंप्लीट करते हैं। अब अपन बिल्कुल बेसिक से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है नया चैप्टर। ठीक है तो अपन एक आप तो ये मान लो कि नया आज ये लेक्चर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है तो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे मूल कंसेप्ट। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये जो पढ़ाए आप वो टेस्ट में नहीं आएगा ना अभी? टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स से पहले पहले वाला आएगा बेटा, सर पार्ट सी मतलब पार्ट ए और बी पूरा आएगा। यस सर। ठीक है तो ये लेक्चर वन, ठीक है मूल कंसेप्ट का लेक्चर वन है। ठीक है देखो मूल कंसेप्ट क्या है अपने आप में ये भी आसान नहीं है, अपन उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ठीक है जहां से क्या है कि जो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड बात होगी वो अपनी ताकि लास्ट में कवर। ठीक है तो बेटा अपन सबसे पहले ये बात करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स।
ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है, पहली बात वही तत्व को प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो कुछ चीजें आपको बहुत बेसिक सी पता होनी चाहिए, ये एक्स है, यहाँ जेड लिखा, यहाँ ए लिखा। एक तो ये तरीका होता है लिखने का, एक आपके पास ये तरीका भी सही होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जेड को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसकी संख्या होती है, प्रोटॉन की। ए को बोलते हैं अपन मास नंबर, ये आपके पास होता है द्रव्यमान संख्या, ये आपके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अगर ए माइनस जेड करेंगे, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा आपको पता भी है, पर मैं एक बार लिख रहा हूँ और कोई ऐसी बात नहीं। जैसे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रोटोन तो कितने है, 13 है। अच्छा ये उदासीन है, हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस 10, क्या है ये? प्रोटॉन है ना बेटा, ये प्रोटॉन है। थैंक यू सर। ठीक है, तो प्रोटॉन तो 13 हो गए, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कितने हो गए, 13। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब मुझे पता है अपन, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ध्यान देना बेटा, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, ठीक। तो बेटा जो परमाणु भार है, मैं आपको पहले भी ये बस हल्का सा रिवीजन है, 1 से 20 तक के आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। तो याद करने का जो मैंने आपको, किसी को याद है क्या तरीका बताया था मैंने आप लोगों को एटॉमिक वेट याद करने का, 9 से लेके 20 तक क्या रूल बताया था बेटा मैंने आपको, सम के साथ 2 का गुणा करेंगे और विषम के साथ 2 का गुणा करने के बाद 1 ऐड कर देंगे। इवन नंबर होंगे तो 2 की गुणा, मतलब अगर सम संख्या होगी तो 2 की गुणा कर देंगे, और ऑड नंबर होगा तो 2 की गुणा करने के बाद प्लस 1 कर देंगे, मतलब विषम संख्या होगी तो उसमें 2 की गुणा करके प्लस 1 कर दोगे, ठीक है। तो अपन जैसे ये लिखते हैं, यहाँ से ये एलिमेंट लिखते हैं, फ्लोरीन है, ठीक है। देखो फ्लोरीन है, इसके बाद आपके पास नियोन आता है, फिर आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, इधर बात करें एल्यूमिनियम, फिर सिलिकन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। आप देखें बेटा ये 9 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ठीक है। तब भी मैंने ये बोला था कि बेटा ये 2 तो आप अलग से याद रखें, इसका होता है 35.5 और इसका होता है 40, ठीक है। बाकी आप ध्यान से देखें बेटा, बाकी अपने पास क्या है कि भाई पहले मैं सम संख्या वाले ले लेता हूँ, सम संख्या बेटा ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, सम संख्या सीधे दुगना कर दो, दुगना करोगे तो 20 आ गया, ये दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा, 24, ये दुगना करोगे 28 आ गया, ये दुगना करोगे 32 आ गया, ये 40 आ गया। अब मैं लेता हूँ विषम संख्या वाले,
तो विषम संख्या वाले अलग कलर से ले लेते हैं, इस कलर से ले लेते हैं विषम संख्या वाले। तो बेटा दो का मल्टीप्लाई करके प्लस एक करना है, ये 19 आ गया आपके पास, ये 19 आ गया, ये 23 आ गया, ये 27 आ गया, ये 31 आ गया, ये 39 आ गया। मैंने ये बताया था कि पहले तो क्या है कि ये तीन, सुन रहे मेरी बात ध्यान से, ये तो हो गए सारे। इससे पहले जो तीन होते हैं, इससे पहले तीन क्या होते हैं, इनटू टू, ठीक है। इससे पहले अपने पास आता है कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 6, 7 एंड 8। तो जस्ट डबल करना है, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इससे पहले तीन में क्या करते हैं, इनटू टू प्लस वन करते हैं, तो लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 7 आ जाता है, ये 9 आ जाता है, ये 11 आ जाता है। इससे पहले दो है, 1H1 एंड 2 Hb4, ये अलग से ध्यान रखना आप। एनी हाउ बेटा ये क्या होता है, ये उतनी बेसिक सी बात कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में 1 से 20 तक का एटॉमिक वेट दे रखा हो। तो ये आप क्या है, सेफ्टी पर्पज से याद कर लें। इसके अलावा आप ये भी याद करेंगे बेटा अलग से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी सेफ्टी पर्पज से मैं हमेशा बोलता हूँ याद कर लें। फ्लोरीन का अपन ने याद कर ही लिया है 19, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का याद करेंगे 80, इसका याद करेंगे 127, ठीक है। आप याद करेंगे कॉपर, एजी, एयू, एयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, एजी, एफई मैग्नीज, एफई मैग्नीज, ठीक है। कॉपर आप याद कर लेंगे बेटा 63.5, सिल्वर का याद करेंगे आप 108, एफई का 56, मैग्नीज का 55। तो बेटा ये भी आपका, आप मान के चलो अपन केमिस्ट्री की बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं सेकंड नंबर, मॉलिक्यूलर वेट। अणु भार एम डब्ल्यू, तो इसमें अपन ये बोलते हैं टोटल सम ऑफ एटॉमिक वेट। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। परमाणु भार का कुल योग बराबर अणु भार। बोलो सर थोड़ा और, सर थोड़ा और। तो बेटा ये तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाता है ना, अपन क्यों इनमें, ये कोई कंसेप्ट तो है नहीं, वैल्यूज है। ठीक है, डन सर, थैंक यू सर। हाँ तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आप ध्यान दो, जैसे मान लो CO2 है तो कार्बन का आपको पता होना चाहिए 12 प्लस, ठीक है, 16 into 2, 32 हो गया, तो ये कितना आ जाता है 44। अगर अपन बात करें Na2CO3 की बात करें तो ये वैसे ही 2, मैं बस बता रहा हूँ 2 into 23 plus 12 plus 16 into 3, तो इन सब का सम करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। अब इसी में क्या होता है, अगर Na2CO3 0.10H2 हो तो बेटा देखो इस पूरे का तो कितना आ गया 106 आ गया, प्लस 10 into 2 plus 16 तो ये 18 हो गया, 180 हो गया, तो 180 मतलब ये कितना आ गया 286 आ गया, तो ये इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये दे रखा है Al2SO4 whole thrice, तो रूल क्या होता है आपके पास 2 into एल्यूमिनियम का 27 आ गया, प्लस
थ्री इंटू, अब SO4 पूरे का ये 32 आ गया, प्लस ये आपके पास 64 आ गया, इन सब का सम करते हैं तो ये 342 आ जाता है। मतलब कोई ऐसा इश्यू नहीं, मतलब कुल मिला के ये मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो इसके अंदर आता है आपके पास अपन, मैं इसको भी कई टाइप्स में कन्वर्ट करूंगा, टाइप ए। टाइप ए की हेडिंग क्या है, अब ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ से सीधे एक्चुअली में मूल कंसेप्ट में क्या है आप सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से। थ्योरी लिखने लायक ज्यादा कुछ है नहीं अपने पास, मेनली क्या है सीधे क्वेश्चन है, और मैं आपको बताऊंगा अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे, और आप पाओगे कि सर मूल कंसेप्ट भी आपने बहुत सरल तरीके से और ऐसा बताया है कि आपको जो चीजें कई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते होंगे आप, वह बहुत आसान तरीके से कर लेंगे अपन। ठीक है भाई, जो केमिकल रिएक्शन पे न्यूमेरिकल्स हैं, जो सीमांत अभिकारक के प्रश्न हैं, या कुछ और भी ऐसी ही बातें। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं? बेटा एक ही मान लो क्वेश्चन, अगर प्योरली माने तो सीमांत अभिकारक बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा क्या है बेटा इसमें मूल अभिधारणा में ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात यह है कि इसकी छोटी छोटी बातें, अब आपने पता नहीं 11th में कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, पर आपको दूसरे चैप्टर में, बाकी दूसरे चैप्टर में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, ओके सर, वो ज्यादा है। बाकी आप मेरे से कहेंगे क्वेश्चन तो एक या दो, ठीक है, पर एक ही मान के चलो आप। ठीक है, तो टाइप ए, ठीक है, देखो हेडिंग समझना, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन परसेंटेज पे न्यूमेरिकल्स हैं बेटा ये, परसेंटेज पे। ठीक है, अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान देना, परसेंटेज जहां भी लिखा होता है उसका मतलब होता है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज भारानुसार। ठीक है, ये हिडन बात होती है, हिडन। अब मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में, जब बहुत सारे स्टूडेंट क्या है जब 11th क्लास में आते हैं ना, 11th क्लास में शुरू में ही जैसे ये क्वेश्चन होता है, आप सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन है परसेंटेज कार्बन इन CH4। ठीक है, और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट गलत नहीं होता है, स्टूडेंट गलत नहीं होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, स्टूडेंट फर्स्ट ने कि सर CH4 में कार्बन का परसेंटेज पूछा है, तो मैंने कार्बन का परसेंटेज ऐसे निकाला भाई, इसमें टोटल एटम्स 5 थे, कार्बन का एक एटम था, इनटू 100 कर दिया, 20% कर दिया। 20%। टीचर कहता है अरे ये क्या तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ये गलत है। स्टूडेंट कहता है जो मैंने मैथ्स पढ़ी है उस हिसाब से ऐसा कुछ होना, इसमें गलती कहाँ है, पर क्या है कि ये गलत है। एक्चुअली में क्या है, जो स्टूडेंट टू ने ये सही किया, उसने कहा कि सर परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, परसेंटेज बाय मास या बाय वेट कर लो, भार के अनुसार। तो उसने कहा कि मेरे को ऐसे निकालना पड़ेगा प्रतिशत कार्बन, कि कार्बन का भार नीचे टोटल भार, भाई कार्बन का भार कितना है 12 है, और टोटल कितना है 16 इंटू 100। जब उसने सॉल्व किया तो ये तो 3, 4, तो ये 75% आ गया। तो दूसरे स्टूडेंट ने ये जवाब दिया तो ये सही है। पहले स्टूडेंट ने पूछा कि सर उसने ये तो बोला ही नहीं कि जो परसेंटेज है वो नंबर ऑफ एटम के हिसाब से बताना है, या परमाणु की संख्या के हिसाब से बताना है, या भार के हिसाब से। तो आपको ये जो मैंने लिखा है कि इसका मतलब आप समझ लो, जब भी परसेंटेज होता है तो वो परसेंटेज किसके हिसाब से होता है, भार के हिसाब से होता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है, yes, sir. तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, आप सुनना, तो अपन क्या एक फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज एलिमेंट, तत्व का परसेंटेज कितना होता है, एलिमेंट
का वेट अपॉन टोटल वेट इन 200। ये फॉर्मूला नंबर वन आ गया। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चन करते हैं। बेटा देखो, इतनी सी बातें फॉर्मूला नहीं भी लिखो तो आपको पता था, पर आप देखना इतनी सी बात पे कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसने पहला क्वेश्चन दिया Na2CO3.10H2 परसेंटेज ऑक्सीजन परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज वाटर पूछा है, कितना होगा। सॉल्यूशन देखना बेटा, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, पर आप ध्यान से देखो। सॉल्यूशन क्या है, परसेंटेज ऑक्सीजन की बात करें। अब आप मेरे को ये बताओ, इसमें नीचे जो भार आया वो तो 106 तो इसका आ गया, इसका 180 हो गया, मतलब 286 हो गया ना। मैं एक काम करता हूँ, इसको सीधे ही 286 लिख देता हूँ, सभी में ये लिखूंगा ना, तो 286। पहले नीचे ये बताओ, टोटल वेट 286 आ गया, ये बात समझ गए आप? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, ऑक्सीजन पूछा है जब इसने, तो एक ऑक्सीजन का वेट तो 16 होता है। आप मेरे को ये बताओ, इस पूरे इसमें ऑक्सीजन कितनी लोगे आप? सर 30। 13 चार ऑक्सीजन लेंगे। अरे 13 आ जाएगी ना, 13 चार कौन बोल दिया यार। अरे हाँ, अरे 10 को तीन इधर वाली और इनटू कितना हो जाएगा, 100। अरे आ गई बात समझ में? यस सर। दूसरा इसने पूछा परसेंटेज कार्बन, कार्बन कितनी है बेटा इस पूरे कंपाउंड में? सर एक ही दिख रहा है, एक ही है, एक ही है। तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 286 इनटू 100 आ जाएगा। बोलो बेटा। यस सर। परसेंटेज इसने वाटर पूछा, तो नीचे तो 286 आ गया, ऊपर देखो बेटा 10 × 18 हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, 18, तो 10 का इंटू 10 इंटू 100। ये बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्या आपको आ गया समझ में? ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना बेटा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए बेसिक थ्योरी ये होती है, ये होती है, जब भी हाइड्रेटेड यौगिक जल योजक को गर्म करेंगे, करने पर जो H2O है वो गैस के रूप में सेपरेट हो जाती है, पृथक हो जाती है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। अभी आ जाएगी बात समझ में। ठीक है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, तो देखो तीन नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, Na2SO4.XH2 इज हीटेड। सर यौगिक मतलब इंग्लिश में बेटा कंपाउंड, जब भी हाइड्रेटेड कंपाउंड को अपन हीट करते हैं, ठीक है, तो जो वाटर है वो सेपरेट हो जाती है गैस की फॉर्म में। ठीक है, अभी आ जाएगी बेटा बात समझ। इज हीटेड, गर्म करने पर परसेंटेज लॉस इन वेट, भार में हानि बराबर 55.55%। तो x बराबर कितना, देखो आप सॉल्यूशन पे ध्यान देना बेटा, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं।
भाई मैंने क्या कहा कि कुल मिला के Na2SO4.XH2 ये हाइड्रेटेड कंपाउंड था, आपने गर्म किया ना ये सॉलिड था, ये Na2SO4 ये सॉलिड। और ये अब आपको मेरी ऊपर लिखी हुई बात भी समझ में आ जाएगी, जो XH2O है वो गैस के रूप में सेपरेट हो गई। बेटा आप खुद सोचो, आप खुद समझना मेरी बात, पहले ये चीज क्या थी, पूरी सॉलिड थी, इसमें से वाटर किस फॉर्म में निकल गई, गैस की फॉर्म में निकल गई, ये पहले बताओ अभिक्रिया आ गई आपको समझ में, बोलो। यस सर। इसका मतलब अब इनडायरेक्टली ये देखो, जो परसेंटेज लॉस इन वेट, ये है मेन बात, इज इक्वल टू परसेंटेज पूरा वाटर, जो भार में प्रतिशत हानि है, भार में हानि। बेटा आप ये बताओ उसका भार क्यों कम हुआ है गर्म करने पे, क्योंकि सारी की सारी जल किस रूप में निकल गई, गैस के रूप में। तो अगर 55.55% की हानि हुई है, इसका मतलब उतना उसके अंदर क्या था, वाटर था। इसका मतलब जो इनडायरेक्टली आपको, जो सीधे नहीं दे रखा, वो दे रखा है ये 55.55% वाटर का। अब देखो मैं ना ये पूरा क्वेश्चन दिखता रहे आपको, तो आप ध्यान देना, परसेंटेज वाटर 55.55 हो गया, और अगर इस फॉर्मूले को देखते हुए निकालता मैं, तो वाटर का एक वाटर का इनटू, पहले मेरे को ये बताओ 18x क्यों किया, ये बात समझ गए क्या? यस सर। नीचे टोटल वेट, नीचे टोटल वेट कितना आएगा, सोडियम का कितना आ गया बेटा 46, दो सोडियम का, ठीक है, सल्फेट का सम करोगे तो ये आ जाएगा 96 प्लस 18x इनटू 100, ठीक है। अब थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, पर वैल्यू कैसे रखी गई आप समझ गए क्या बात? जी सर। ठीक है, ये आप कहेंगे सर ये मान कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ ये मान कैसे आया, Na2SO4.XH2O का अणु भार सोडियम का 23×2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16×4 प्लस X×18, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये जो भी है ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू। तो अब एक ही अज्ञात मान रह गया इसके अंदर, और वो कौन सा रह गया, एक्स का मान, तो वो ज्ञात हो जाएगा। बोलो बेटा, वाटर का एक्स का, हाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना, हाँ से निकाल लेंगे, एक्स ही तो पूछा है इसने। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? यस सर। अरे बहुत आसान सी बात है, आप देखो भाई, आप ये देखो Na2SO4.XH2O को गर्म करने पे परसेंटेज लॉस इन वेट बता रखा है, इतनी सी बात है कि इसने इसमें जल की प्रतिशत मात्रा दे रखी है। अब अगर जल की प्रतिशत मात्रा दे रखी है तो उसकी सहायता से मैंने एक्स के मान की गणना कर ली, और कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, इसके बाद इसी से संबंधित 4 नंबर, इसने बकायदा रिएक्शन दे रखी है, KClO3 सॉलिड की सॉलिड लिखा हुआ है, ये गर्म करने पर KCl सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस। ठीक है, इसने पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन KClO3 ऑन हीटिंग, KClO3 को गरम करने पर भार में प्रतिशत कमी बेटा, अब आप खुद सोचो, जो परसेंटेज लॉस इन वेट
प्रतिशत भार में हानि। बोलो मुझे ये बताओ ये प्रतिशत किसके बराबर होगा, पोटेशियम के, क्लोरीन के, ऑक्सीजन के, किसके बराबर होगा? ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन के, परसेंटेज ऑक्सीजन के इक्वल होगा। अरे आ रही है मेरी बात समझ में, क्यों हुआ ये बात समझ रहे हो आप? यस सर, क्लोरीन को गर्म करने पे क्या बचा आपके पास, आपने ठोस। भाई ये कहना क्या चाह रहा है आपको, देखो गणितीय रूप से क्या कहना चाह रहा है, आपके पास एक पात्र था उसके अंदर आपने इस तरीके से KCLO3 रखा हुआ था, आपने क्या किया इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद ये जो पात्र है इसमें क्या है पहले की तुलना में कम चीज बची, कम क्या बचा KCl रह गया इसके अंदर, तो भाई कितनी कमी हुई, तो अपन कहेंगे जितना भी ऑक्सीजन था वो सारा O2 की फॉर्म में उड़ गया। तो एक तरीके से परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना तो मेरे लिए आसान सी बात है भाई, ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है बेटा KCLO3 में, तीन ऑक्सीजन, तो 16 × 3 हो गया, और नीचे जो वेट आ रहा है टोटल ये × 100 कर देता हूँ, ठीक है। नीचे देखो पोटेशियम का 39 आ गया, क्लोरीन का 35.5 आ गया प्लस 48, नीचे ये आ गया बेटा, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए क्या मेरी बात? बोलो यस सर, ठीक है यस सर। बेटा आप देखो आप है ना, ये इतनी बिल्कुल आसान सी बातें हैं, ऐसा ये देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते मैंने कहा कि जो परसेंटेज होता है पहली बात हिडन छुपी हुई बात, प्रतिशत हमेशा संख्या से नहीं होता है भार से होता है वेट से होता है। मैंने कहा भैया ये क्वेश्चन एक आसान सा, सोडियम का परसेंट पूछ सकता है, कार्बन का पूछ सकता है, ऑक्सीजन का पूछ सकता है, हाइड्रोजन का पूछ सकता है, पूरे जल का पूछ सकता है। तो मैंने कहा जिस भी एलिमेंट का निकालना है, जिस भी कंपाउंड का निकालना है, ऊपर उसका वेट आ जाएगा, नीचे टोटल वेट आ जाएगा। ऑक्सीजन का निकालना था तो मैंने पूरे कंपाउंड में देखा 10 और 3 13 ऑक्सीजन था, नीचे टोटल वेट कर लिया। पूरे जल का निकालना था तो पहले मैंने ऊपर तो पूरे जल का वेट लिख लिया 10 × 18, ये नीचे टोटल आ गया। वही काम मैंने यहाँ किया, मेरे को बस छुपी हुई बात ये थी कि जब इसको गर्म करेंगे तो ये सारा का सारा जल किस रूप में निकल जाएगा, गैस के रूप में निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन अगर सीधे बोलता कि इसमें जल का परसेंटेज इतना है तो मैं क्या करता, ये रखता कि भाई जल का परसेंटेज नीचे टोटल वेट, टोटल वेट में ये एक्स नहीं दे रखा तो 18 × x कर दिया, और ऊपर जल 18x आ गया, इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी। KCLO3 को गर्म करने पे कितना परसेंटेज लॉस होगा, मैंने कहा भाई सारी की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो इस ऑक्सीजन का जो वेट आएगा, इस ऑक्सीजन का वेट क्या आएगा कि भाई ऑक्सीजन कितनी है 3 × 16, ये आ गया नीचे टोटल वेट, मॉलिकुलर वेट सम ही तो करना है, वो सम करके लिख दिया। बोलो बेटा क्या वास्तव में बहुत आसान सी बात नहीं है, अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है, फ्री में मार्क्स आ जाएंगे इसमें तो। यस सर, ना कोई थ्योरी पढ़नी थी, बस एक आसान सी बात समझनी है। अब फिर ध्यान देना बेटे, अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं अपन, जहां पर वो बोलेगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम अणु भार। बेटा इसमें क्या होता, जिसका परसेंटेज दे रखा होता है ना, जिसका परसेंटेज मतलब जिस भी एलिमेंट का, वो कम से कम एक 1 एटम प्रेजेंट होगा,
तो आपको मेरी ये बात क्वेश्चन से बेहतर समझ में आएगी, इसकी थ्योरी ये थी, आप ध्यान देना। इन इंसुलिन, इन इंसुलिन द परसेंटेज ऑफ, सर वन के बाद क्या लिखे हो बेटा, एक मिनट, इन इंसुलिन ऑफ इंसुलिन द परसेंटेज ऑफ सल्फर ये दे रखा है 3.2%। कैलकुलेट मिनिमम एटम, थैंक यू, इंसुलिन, इंसुलिन में सल्फर का प्रतिशत बराबर 3.2, तो इंसुलिन का न्यूनतम अणु भार ठीक। अब ध्यान देना बेटा, मैं आपको बताता हूं पूरी बात, समझना आप पूरे क्वेश्चन को, समझना सॉल्यूशन भाई। इसने इंसुलिन का ना तो फॉर्मूला दे नहीं रखा आपको कि क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, मुझे पता ही नहीं कि उसमें कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है नहीं है, नाइट्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, कोई और एलिमेंट। अब लेकिन वो कह रहा है कि इंसुलिन में सल्फर का परसेंटेज दे रखा है। बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, थोड़ा सा है ना कंसेप्चुअली थोड़ा दिमाग लगाना। इंसुलिन में सल्फर का, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि उसके अंदर सल्फर तो है ही, बोलो बेटा। यस सर। भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मान लो मैं कह रहा हूं आयरन है, ठीक है, आयरन का परसेंटेज, इसका मतलब उसमें आयरन तो प्रेजेंट है ही ना, कार्बन yes, है, हाइड्रोजन yes, है sir. या नहीं है, ये 10 है 40 है 50 है मुझे नहीं पता, मुझे जो 100% पता है वो पता है कि सल्फर है। अब ये कह रहा है जहां मिनिमम न्यूनतम की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब अपन ये मान के चलते हैं कि सल्फर का एक एटम तो होगा ही। बेटा आ रही है बात सुन, मिनिमम yes, का मतलब होता है कि कम से कम जिस एलिमेंट की बात कर रहा है उसका एक एटम तो प्रेजेंट होगा ही, सुन रहे मेरी बात ध्यान से। अब देखो आएगा समझ में, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रतिशत सल्फर, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक वेट ये दे रखा है इसने 3.2 दे रखा है, ठीक है, एक सल्फर का, बेटा एक सल्फर का कितना होगा 32 हो जाएगा, और नीचे जो मॉलिकुलर वेट होगा वही क्या होगा, मिनिमम मॉलिकुलर वेट हो जाएगा इनटू 100। तो इसको मैं एम से लिख दूं, मिनिमम मॉलिकुलर वेट को मैं एक और स्टेप लिखता हूं, ठीक है, 32 अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 100 3.2। बेटा ये पॉइंट 10 कैंसिल आउट हो गया तो मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा 1000। देखो बेटा आप ना समझो मेरी बात को, भाई आप ये बताओ कि इसने कहा, आप सुनना मेरी बात, इसने कहा कि इंसुलिन में सल्फर का 3.2% है। पहले मेरे को ये बताओ इंसुलिन में सल्फर का परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब सल्फर तो होगा ही ना उसके अंदर, ये मानते हो पहले, हाँ ना मैं जवाब दो बेटा। यस सर। अच्छा अब आप एक चीज बताओ, ऐसा हो सकता था ना कि किसी यौगिक में, भाई जैसे बेंजीन में बोले तो कार्बन, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, 6। अब वो कह रहा है कि क्योंकि उसके वो अपने को बता नहीं रहा कि सल्फर कितने, तो इसीलिए उस वो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो न्यूनतम ही पूछेगा, मिनिमम मॉलिकुलर वेट। मिनिमम का मतलब ये है कि आप ये मान के चलोगे कि भाई कोई भी उसका फॉर्मूला लिखेंगे कम से कम एक सल्फर तो होगा ना, बोलो बेटा। यस सर। तो बस अब ये चीज पकड़ में आ गई जो बॉक्स में लिखा हुआ है, यहाँ जो बॉक्स में लिखा हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ गया, मैंने कहा सल्फर का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सल्फर का वेट, समस्या ये थी अगर दो सल्फर होते तो 2 × 32 करता, पर मैंने कह दिया ना कि एक ही सल्फर मानना है तो केवल 32 ले लिया और नीचे जो मॉलिकुलर वेट आता है इंटू 100 ये वैल्यू रख दी तो 1000 आ गया रिजल्ट। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा अपन ऐसा, ठीक है, आप घबराए नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड द परसेंटेज नाइट्रोजन 0.7%. कैलकुलेट द मिनिमम मॉलिक्युलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन बराबर 0.7% तो यौगिक का न्यूनतम अणु भार, न्यूनतम अणु भार सॉल्यूशन देखना बेटा, ठीक है, कोशिश करो तो आप खुद बोल सको. तो देखो मैंने कहा ऑर्गेनिक यौगिक में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं पता. पर इसने किसका परसेंटेज दे रखा है बेटा? नाइट्रोजन. आप बताओ नाइट्रोजन कम से कम कितनी होगी? कम से कम एक, एक वन. तो जब भी मिनिमम पूछेगा तो आपको कितना लेना है? वन लेना. बोलो बेटा वन. अब मेरे को ये बताओ प्रतिशत नाइट्रोजन, ठीक है, इसने दे रखा है 0.7. अच्छा अब बताओ ऊपर क्या वैल्यू लिखूं मैं? 14. एक नाइट्रोजन है तो 14 into 1. यस सर. और नीचे जो भी आएगा वही मिनिमम मॉलिक्युलर वेट होगा into 100. आप कहो तो पूरा सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा. तो ये 7/10 हो गया, ये 14/100 हो गया. बेटा ये इधर 2 गया तो ये मॉलिक्युलर वेट कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है 2000 आ जाएगा. 2000 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इतना आ गया मॉलिक्युलर वेट आपके. देखो इस पे पूरा आ रहा है. ठीक है बेटा जहां भी ये इम्पोर्टेंट है, दो क्वेश्चन कराए मैंने आपको, जहां भी मिनिमम की बात करेगा ठीक है बेटा. सर मिनिमम पूछेगा ना क्वेश्चन? बिल्कुल देगा. ठीक है अब ध्यान दो बेटा 8 नंबर. यदि सर मैक्सिमम पूछ लिया तो? अरे मैक्सिमम नहीं पूछेगा, बन नहीं सकता मैक्सिमम का क्वेश्चन. ठीक है मैक्सिमम एंडलेस हो जाएगा ना बेटा, अंतिम हो जाएगा. ठीक है यस सर. हाँ अब देखो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये मिनिमम का नहीं है ध्यान रखना. इन हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ Fe is equal to 3.33%. Calculate the number of Fe atom in one molecule of hemoglobin. और इसका मॉलिक्युलर वेट दे रखा है 67200. डेटा मेरे गड़बड़ हो सकते हैं पर आपको जब पेपर में मिलेगा क्वेश्चन तो सही मिलेगा. हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में Fe बराबर 3.33%. एक अणु में Fe के परमाणु बराबर कितना, ये इंफॉर्मेशन इसके लिए भी है हिंदी मीडियम में भी. देखो अब आपकी है ना, इस पे पहले ये देख लो स्क्रीन पे पूरा आ रहा है क्वेश्चन. ठीक
अब ध्यान देना बेटा, हीमोग्लोबिन का मैंने कहा, अब आप ध्यान देना, हीमोग्लोबिन में मैंने कहा पता नहीं कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, भाई इसने किसके परसेंटेज की बात करी है? आयरन की। बोलो बेटा। यस सर। के अंदर आयरन तो है ही। अच्छा, क्वेश्चन अणुभार का नहीं है, उसका मिनिमम का नहीं है, और पूछा क्या है इसने, हीमोग्लोबिन के एक अणु में Fe के परमाणु, मैंने मान लिए ये N मान लिए, तो मैं इसके पैरों में क्या लिखूंगा, N। बेटा बाकी तो मेरे को पता नहीं कि है भी कि नहीं, पर मुझे पता है आयरन है, और वो यही जानना चाहता है कि एक जो पूरा यौगिक बनेगा उसमें कितने परमाणु है, तो मैंने कितने परमाणु मान लिए बेटा, N। बोलो। यस सर। और उसने ये दे रखा होगा Fe का कि Fe का खुद का परमाणु भार 56 होता है। अब आप ध्यान दो बेटा, मैं इसमें प्रतिशत आयरन निकालू, प्रतिशत आयरन कैसे निकालूंगा, आयरन का भार, तो आप बताओ 56 इंटू कितना लिखो, बोलो। हाँ मतलब एन या एक्स जो भी एन है, ठीक है। नीचे अणुभार, इसने अणुभार दे ही रखा है मेरे को, 7200 इंटू 100 इक्वल टू 3.33, तो बताइए आ गया मेरे पास रिजल्ट। अब क्या है, मैं इसीलिए कह रहा था हो सकता है मेरे डेटा वेटा में क्या गड़बड़े नहीं है, पर आप जब सॉल्व करोगे ना तो एन पूर्णांक संख्या आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात सर? इसका एक बार आंसर बता दीजिए ना, घर पे कैलकुलेट कर लें। नहीं नहीं आंसर मेरे को नहीं पता, डेटा गलत हुए तो हो सकता है होल नंबर ही नहीं आए। ठीक है सर। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर इसको हम लोग 56 जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो एक्यूरेट तो इसमें 55 होता है ना, वैसे ही आपको जो भी गिवन हो और नहीं गिवन हो तो आयरन का 56 ही लेना बेटा, ठीक है। आयरन का होता भी 56 से बेटा, 55 तो मैग्नीज का होता है ना, तभी तो KMnO4 का 158 आता है, ठीक है। आप देखो बेटा इसको ध्यान से देखो, 8th नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लिखा है, मीनिंगफुल है, और मैं आपको सही बताऊं मेरे पास कोई आप कहोगे सर मतलब शुरू में मैंने एक इवन उस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं थी, इसीलिए क्या होता है बेटा मैं आपको थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के बारे में आपको क्लियर कर दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है ठीक है, और आप मेरी बातों को समझना कोशिश करना बेटा। देखो वैसे जरूरत नहीं पड़ी मेरे को कई सालों से, पर जब 11th क्लास, अगर मुझे 11th क्लास पढ़ानी होती है तो बेटा होता क्या है, पहला चैप्टर क्या है, मोल कंसेप्ट, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, आपको पता है ना 11th क्लास में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यस सर, पहला चैप्टर ही मोल अभिधारणा आता है बेटा, मैं कभी भी मोल अभिधारणा शुरू ही नहीं करता पहला चैप्टर, अभी तो यही नहीं, इसमें जब एवोगाड्रो नंबर आता है, परमाणु की संख्या, अणुओं की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतने प्रोटॉन होंगे तो उसका परमाणु भार बताओ, फिर एनटीपी पे गैस का वॉल्यूम है तो इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताओ, बच्चा ऐसा उलझता है, ऐसा 11वीं में जो बच्चा आता है ना वो कहता है मेरे को नहीं पढ़नी केमिस्ट्री भैया, मुझे नहीं। yes, नहीं बोल रहा एकदम, ठीक है, वो इतना उलझता है कि ये है क्या आखिर, फिर 10th तक तो मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, ये क्या हो गया अचानक, ठीक है, इसका मतलब केमिस्ट्री बहुत टिपिकल है। तो मैंने एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि एक दो साल मैं भी यही स्टार्ट करता हूँ, पर मेरे को लगा कि यार ये बच्चों का केमिस्ट्री के प्रति जो आसान सी बात है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, ठीक है। तो मैं अपनी सीक्वेंस रखता था, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, उसके बाद दूसरे नंबर पे पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग, और तीसरे नंबर पे गैसियस स्टेट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता था कि क्योंकि अब जब अपने को केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, और तब तक ये भी हो जाता था कि ये चार चैप्टर के बाद, हाँ बच्चे कहते थे नहीं नहीं केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, आसान भी है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। फिर उसके बाद अपन मोल स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली में मोल में, मैं वही उसी समस्या का जिक्र कर रहा हूँ, मोल में क्या है थ्योरी कुछ है नहीं, क्वेश्चन का हर टाइप अलग है। अभी आप देखो अपन ने जो ये 4, 5, 6, 7 किए, थ्योरी कुछ भी नहीं है, सभी क्वेश्चन है, मिनिमम आया तो ऐसा करना है। अब इसमें आपको अपने आप दिमाग लगाना,
आप कहोगे सर आप एक पैटर्न बता दो, नहीं है बेटा कोई पैटर्न नहीं है मेरे पास, कोई पैटर्न नहीं है कि सर हाँ मैं उसको जितना सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ, मैंने टाइप ए लिखा है कि ये सारे न्यूमेरिकल परसेंटेज पे आधारित है, तो परसेंटेज पे जितने भी आधारित न्यूमेरिकल है वो एक साथ करा रहा हूँ। इसके बाद क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला, आपने नाम सुना होगा मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र, तो उस पे अपन कर लेंगे। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चंस कर लेंगे ठीक है? यस सर। तो बेटा है ना, पर मेरा ये साथ में ये भी मानना है क्योंकि आप 11 12th कर चुके हो तो आपका जो मेंटल लेवल है वो 11th के बच्चों का नहीं है, ठीक है? आपने कितना पढ़ा हुआ है वो एक अलग इश्यू है, पुराना कितना पढ़ा है वो एक अलग इश्यू है, पर मैं आपको बता रहा हूँ अपन सोच ही जा सकती है बातों को और बिल्कुल आसान तरीके से। अब जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, भाई लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर में इसने कहा कि हीमोग्लोबिन, इसको भी पता है हीमोग्लोबिन का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, हीमोग्लोबिन में उसने कहा आयरन का प्रतिशत दे दिया और उसने कहा कि हीमोग्लोबिन का जब एक पूरा मॉलिक्यूल एक पूरा अणु होगा तो उसमें कार्बन के 1 परमाणु होंगे, 2 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, ये उसने बोला मेरे को कैलकुलेट करना। मैंने कहा भैया मैंने मान लिया n परमाणु थे उसके मैंने मान लिए n परमाणु थे, तो मैंने कहा कि इसका मतलब इसके जो बाकी एलिमेंट्स है उसकी मेरे को जरूरत भी नहीं है, चाहे कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, मैंने कहा मुझे पता भी नहीं, हो सकता है कोई है या नहीं है, मैंने कहा जिसकी बात पूछ रहा है मेरे को वो पता है और उसके मैंने n एटम्स मान लिए। अब कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला है इसमें मुझे आयरन का परसेंटेज निकालना, तो मैंने कहा आयरन का प्रतिशत कैसे निकालूंगा, इस पूरे का अणु भार इसने दे रखा है हीमोग्लोबिन का 67200 वो वैल्यू रख दी, इसमें आयरन का भार तो आयरन का कितना हो गया 56 × n × 100 और ये परसेंटेज इसने दे रखा है। मैंने कहा अब केवल एक अज्ञात मान बना, एक समीकरण बन गई और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो बेटा। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? जी सर। अच्छा इसी में बेटा एक है ना और क्वेश्चन आएगा, अपने को इसके लिए ये बात पता होनी चाहिए, आपने नाम सुना होगा एक पाश बनत, पॉज हो गया है क्या? हाँ पॉज हो रहा है कि स्टॉप हो स्टेचू हो गए हैं सर। हाँ इसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं क्या? नो नो हाँ वही है वही चल सही है बॉस मतलब हेलो अरे दिखाऊं तोते को दिखो ना। हाँ बोलो बोलो। अरे सुनो मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ आ रही है। बोलो यार बोलो बोल। आयरन का 55 होता है ना? 56 होता है। 56 तो पीरियोडिक टेबल में गलत क्यों दे रहे हैं बताओ? एक जतन दिखा रही तेरे को कोई कोई में मिस्टेक रहता है ना, पॉइंट में होगा देख। पॉइंट में अगर 7 8 9 ऐसा होता है तो 56 लेके चलने क्या दिक्कत है? 55.85 होता है। 55.845 होता है। हाँ तो मतलब 56 तो मतलब 56 लेंगे ना? ऐसे और कोई कोई सामान है। वेलकम बैक सर। टेबल में देख लेना ना। फोटो खींच के भेज दूंगा ज्यादा होगा तो। मेरे पास भी है मैं तो माते गूगल कर ले वो तो सही आंसर देता है। सब लोग हो जाओ यार। हो गया बस सर आप भी ग्रीन टी स्टार्ट कर दिए। अरे जरूरत नहीं बेटा, लाइट चली गई तो वो जो नेट कनेक्शन है वो चला गया था, फिर मैंने इसके मोबाइल के हॉटस्पॉट से लिया इसको। ठीक है आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? यस आ रही।
तो बेटा इसी में वाष्पनत्व वेपर डेंसिटी, आपने नाम सुना होगा वाष्पनत्व, तो अपने को पता है कि जो अणु भार होता है वो होता है 2 × वाष्पनत्व, ठीक है। तो इतनी सी बात पे भी अपने को क्या है क्वेश्चन मिल जाता है अपने को, ठीक है। अब जैसे ये क्या कहता है, जैसे ये 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ मेटल क्लोराइड, वेपर डेंसिटी धातु क्लोराइड की, ठीक है। इसमें इसने दे रखा है कि जो क्लोरीन का प्रतिशत है, क्लोरीन का प्रतिशत वो इसने दे रखा है 20%। तो एटॉमिक वेट मेटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए, ठीक है। अब आप सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हो, पहले आप बताओ धातु क्लोराइड है, धातु पे आवेश कुछ भी हो सकता है प्लस एक्स, क्लोरीन पे आप ये बताओ माइनस, हमेशा माइनस। आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MClX बनेगा, यस सर। पहले बताओ ये बात मान जाएंगे, यस सर, ठीक है, यस सर। अच्छा अब मैं, क्योंकि इसमें मेटल एक ही है ना, आप बताओ अगर इसमें क्लोरीन 20% है तो धातु कितने प्रतिशत हो जाएगा, 80%। अब ध्यान दो बेटा मैं कैसे कर रहा हूँ, मेटल का जो परसेंटेज होगा धातु का परसेंटेज होगा वो मेटल का एटॉमिक वेट, मेटल का एटॉमिक वेट, ये एटॉमिक वेट जो मुझे ज्ञात करना है, मेटल का एटॉमिक वेट। नीचे क्या होगा, कुल अणु भार, कुल अणु भार इनटू, सो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब आप ध्यान देना स्क्रीन पे, मेटल का प्रतिशत कितना आया आप ये बताओ, मेटल का प्रतिशत 80%। अच्छा अणु भार ज्ञात करना है मेरे को, ये परमाणु भार, अच्छा अणु भार, इसका वाष्पनत्व दे रखा है 250, ये गलत, ठीक है 250। तो अब आप मेरे को ये बताओ इसका अणु भार कितना होगा, 2 × कर देंगे 500, 200 मल्टीप्लाई ये 500 हो जाएगा, हाँ। अरे समझ गए क्या मेरी बात, यस सर, यस सर, हेलो सर, ठीक है सर, ये 80% कहाँ से है भाई, कुल कितना होता है 100% होता है ना, अगर इसमें क्लोरीन 20% है तो धातु कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, ओके सर, ठीक है ये चीज आ जाएगी बेटा। तो बेटा मैं है ना, देखो अपन ने आज क्या स्टार्ट किया, मूल कंसेप्ट, और अपन क्योंकि इसके बाद जो इसमें शुरू होगा वो एम्पिरिकल एंड टाइप बी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको अपन कल ही स्टार्ट करेंगे। कल आप लोगों का पेपर है बेटा, यस सर, हाँ सर, कितने बजे होता है आपका पेपर, 2 2 to 5, यस सर, पेपर देते हो ना सभी, जी सर, हाँ। चलो अब आप मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। तो क्या है कि अभी आप लोगों का तो नीट के एग्जाम का 1 अगस्त आया हुआ है, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि आगे जाएगा, क्योंकि तब तक स्थिति में ये हो जाएगा कि 1 day एग्जाम तो ये इजीली पहले भी करवा दिया था इन्होंने, आपको याद ही है, यस सर, लास्ट ईयर जेईई मेंस, एडवांस भी करा दिया था लास्ट ईयर जेईई मेंस भी उस टाइम पे जबकि वो था, तो ये तो एक स्कूल कॉलेज खुलने में टाइम लग सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन ये जो 1 day का एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल पे ये शायद करवा देंगे, तो है ना। पहली बात तो कोई भी स्टूडेंट इस उसमें मत करे, ये हो जाएगा, मेरा मानना है 1 अगस्त को करवा ही देंगे बेटा,
नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे क्या है, अरे कितना करेगा एग्जाम, कभी ना कभी तो होगा सर, कभी ना कभी तो होना ही है। सितंबर से उस पानी दे जाने वाला सर। बेटा देखो कभी ना कभी होना ही है, और जिसको जितना पढ़ना है ना, जिसको पढ़ना है वो रोज रोज अभी भी पढ़ लेगा और एग्जाम से पहले, जिसको नहीं पढ़ना वो चाहे 6 महीने बाद हो तो भी वही स्थिति रहती है। अपने को अपने को अपना नेचर तो पता ही होता है ना, उसी में तो चेंज लाना होता है ना। यस सर। ठीक है चलो चलो, खैर ये तो अब करो पढ़ाई। हाँ बेटा देखो अपन ने, मैं बताता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये टाइप है। तो ये बेटा आगे इस चैप्टर में भी जरूरत पड़ेगी। पहले आप है ना अपने दिमाग में एक बात क्लियर रखो, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, जहां भी परसेंटेज दे रखा हो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो परसेंटेज बाई मास होगा, भार के हिसाब से होगा। जिस भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का वेट अपॉन कितना आ जाएगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो। तो अपन ने ये कहा कि भाई Na2CO3 में सोडियम का निकालना है, चलो ऑक्सीजन का निकालना है, तो 13 × 16 / 286 ये आ गया। इसी तरीके से जो मेन बात मेरे को समझानी थी बेटा, यहाँ है ना ये एग्जाम ओरिएंटेड है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा ये गलती मत करना, ये आया हुआ है आपको, मैं बता दूं ये नीट में आया हुआ है, मैं लिखना भूल गया। इसलिए देखो मिनिमम में आपको ये बात समझ में आ गई, जिस भी एलिमेंट का दे रखा होगा उसके कितने परमाणु, उसके कितने एटम मान लोगे आप, 1। ठीक है ये सेम 6th और 7th सेम टाइप है, ठीक है इसलिए इसको भी इम्पोर्टेंट लिखता हूँ। ठीक है और ये वाला भी नीट में आया हुआ है, हीमोग्लोबिन वाला। बेटा हीमोग्लोबिन वाला आपको समझ में आ गया, कोई आयरन के एटम पूछे तो अपन ने कितने एटम मान लिए, 3 N। इसका जब जिस एग्जाम आया था तो N की वैल्यू 3 थी उसकी, ठीक है पर अभी रिजल्ट मेरे को पता नहीं, मैं डेटा सही है नहीं, ठीक है तो ये था। ठीक है तो इनको देखो बेटा आप, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर, सर बाय सर। ठीक है चलो वाह, हाँ ओके बेटा ओके।